कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे उड़ीसा के किसानों के जत्था को रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह के नेतृत्व में बिहार यूपी बॉर्डर पर किसानों के साथ पैदल मार्च कर यूपी में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उनके दर्जनों समर्थकों के हुजूम को यूपी पुलिस ने रोक लिया। वहीं यूपी में धारा 144 लगने का हवाला देते हुए पैदल मार्च को रोक दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस ने सभी को गाड़ियों में बैठाकर अपने गंतव्य दिल्ली जाने के लिए बार बार आग्रह किया गया, लेकिन रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह और उनके दर्जनों समर्थकों द्वारा पैदल मार्च कुछ दूर तक करने की बात कही गई, नहीं तो सड़क जाम करने की धमकी तक दी गई, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अपने तेवर कड़े किए और फिर रामगढ़ के विधायक सहित सभी बिहार से आए समर्थकों को वापस बिहार लौट जाने की चेतावनी दे डाली। जो किसानों का जो जत्था जा रहा है दिल्ली उड़ीसा से, उस जत्थे का हम लोग एकजुटता के लिए बिहार से हजारों किसान इनके साथ यात्रा में हम शामिल हैं, जो इनके साथ हम लोग यात्रा में दिल्ली तक जाएंगे। यह हमारा जो आंदोलन है, यह राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है। दुर्भाग्य से यहाँ के जिला प्रशासन के लोग खड़ा थे, कह रहे थे कि उड़ीसा के लोग जाएंगे, बिहार के लोग नहीं जाएंगे। बहुत आश्चर्य। वे बिहार यूपी बॉर्डर के पास उड़ीसा से आए किसानों को साथ लेकर राजद के लोगों ने सड़क को जाम कर वहीं पर नारेबाजी करनी शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन सभी को वहां से हटवाया और उड़ीसा से दिल्ली के लिए निकले किसानों के जत्थे को गाड़ियों में बैठाकर दिल्ली जाने के आग्रह पर उन्हें भेज दिया, जबकि बिहार के राजद विधायक सहित दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं को यूपी की सीमा से बैरंग लौटना पड़ा। सर, आज उड़ीसा से किसानों का जत्था आया, कुछ बिहार के विधायक भी जनता दल के थे, क्या मामला था? एक उड़ीसा से जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, जिसके साथ बिहार के कुछ जनता दल के विधायक दो तीन लोग मिल गए और वो बॉर्डर से जो है पैदल आने लगे, उनको रोका गया और रोक कर जो लोकल विधायक थे बिहार के रहने वाले, उनको वापस कर दिया गया। बाकी उड़ीसा का जो जत्था था वो निकल गया अपने गंतव्य।